देखिए, कल आंदोलन को एक सप्ताह होने जा रहा है। हमारे लोग मन के अंदर गुस्से का गुबार लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। सरकार के अंदर बैठे लोगों से मैं अपील करता हूं कि सरकार संवेदनशीलता बरतते हुए बंजारों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, इनको सामड़ाओं की तर्ज में पैकेज दे, इनको जमीन के पट्टे जारी करें और एसबीसी के अंदर इन बंजारा समाज का जो आरक्षण की व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है, इनके घरों का निर्माण करके इनको मुख्य धारा के अंदर लाए। दोषी पुलिस के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीवाईएसपी, जो एससीएसटी का है उनको हटाएं। 302 का जो झूठा मुकदमा दर्ज किया विधायकों पे, उसको वापस ले। एक हमारा बंजारा समाज का जो बच्चा सदमे से चला गया, उसे मुआवजा मिले और एसडीएम के खिलाफ दोनों मामले दर्ज हो। और हमारी तमाम वो मांगे जो हमने कही है पूरे राजस्थान के अंदर बंजारा समाज सहित एससीएसटी, ओबीसी, एसबीसी के जो भी भाई बरसों से हमारे इन जमीनों पर रह रहे हैं, उन पर इस तरह अतिक्रमण का बुलडोजर नहीं चले, डंडा नहीं चले पुलिस का, कानून का। और 3-4 हजार से ज्यादा केस राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई कि कंटेम्प्ट की आड़ के अंदर सिर्फ ताऊसर की बंजारा बस्ती दिखी क्या सरकार को? क्या आवश्यकता पड़ गई? जब सरकार अगर पहले ही ये काम कर देती तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। अब भी देर आए दुरुस्त आए। मैं सरकार को फिर आह्वान करता हूँ कि आज का दिन है आपके पास, कल का दिन और है। क्योंकि ट्रैक पर बैठने के बाद और हाईवे जाम करने के बाद हम वहां से हिलने वाले नहीं, फिर सरकार और हम आमने सामने होंगे। सरकार चाहे तो अभी भी हमारी मांगों पर विचार कर ले। ये तो प्रमुख मांग और ज्ञापन हमने मांग पत्र ज्ञापन सौंपा है। बंजारा समाज के साथ साथ हमारे तमाम जो सर्व समाज के लोग बैठे हैं, पहले दिन से जो अन्याय हुई अन्याय हुआ और पूरे मामले की हम तो कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवा दे, नहीं तो आप इसकी सीबीआई या विशेष टीम बना के एसआईटी बना के जांच करा दें। अगर हमारे लोग 302 में दोषी है उनको गिरफ्तार कर लें। और अगर एसडीएम की गाड़ी से उसकी मौत हुई है, हुसैन खान की, क्या नाम है, फारूक की, तो फिर उसका उसमें उसको गिरफ्तार करें एसडीएम को। और भाइयों, 19 लोग हमारे हिरासत के अंदर है। एडीजे ने आज फैसला दिया कि 151 के अंदर एसडीएम ने गलत पकड़ा। ये एसडीएम जिसके खिलाफ भूमाफियों से मिला होने का साथ इसको नोटिस मिले, 2 चार्जशीट अभी मिली और इसका जो पिछला रिकॉर्ड मैंने निकलवा के दिखाया बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो कोई पूरा सिस्टम है इसका, ऐसे मुझे लग रहा है कोई नकल वकल करके इस टीम बन गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो भाइयों, इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाए, डिप्टी को हटाए, कलेक्टर एसपी को हटाए, तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो गलत तरीके से जिन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया, हमारे बंजारा समाज के भाइयों पर लाठियां बरसाई।